हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम है बीरज और आप देख रहे हैं किसान भाई बीरज। तो स्वागत है चैनल पर आपका। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंबाकू के बीज के बारे में। तंबाकू बीज की देखभाल कैसे की जाती है और इसे कैसे बचाया जाए। जर्मिनेशन तो हो जाता है लेकिन इसको बचाना भी पड़ता है, गलका वलका लग जाता है, इस सबसे बचाना पड़ता है, इसको बचा कर रखना पड़ता है। इस बीज को गिराने का वीडियो मैं आप लोगों को डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर है। और आज बात करेंगे बीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बीज का जर्मिनेशन कैसा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये है बिच्ची। ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस खैनी का बिच्ची है। और देखिए जर्मिनेशन तो ठीक ठाक हुआ है और कुछ कमी इसमें है। वो कमी इसलिए है क्योंकि गिराने का दो दिन बाद ही बारिश हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कुछ बिच्ची जो है वो दहकर चला गया है, इसलिए जर्मिनेशन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, जो है सो अच्छा है। और देखिए दोस्तों, कुछ खर पतवार इसमें निकल चुका है तो उसको भी हम अब चुनवा लेंगे। और देखिए ये जो कहीं कहीं खाली दिख रहा होगा आपको, जहाँ बिच्ची नहीं है, वहाँ का बिच्ची जो है बारिश में दहकर चला गया, इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और अभी इसका 15 दिन हो गया है। वैसे तो 10 दिन में ये जम गया था लेकिन 15 दिन हो गया है अभी। और 15 दिन में देखिए कितना बड़ा हो गया है। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो है कहीं कहीं गलका भी पकड़ लिया है। वो इसलिए कि बिच्ची जमने के तुरंत बाद ही इसमें गलका का स्प्रे किया जाता है, वो मुझे करने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए गलका पकड़ लिया है। वो दिखाएंगे आपको अभी, उसका स्प्रे किया जाएगा अभी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गलका जो पकड़ लिया है वो गल गया है। बिच्ची देखिए कितना सारा बिच्ची गल गया है, यहाँ ऐसे ही कई जगहों पे गला हुआ है। तो इसका स्प्रे अभी करेंगे। और स्प्रे किस चीज़ का करना है वो भी बताते हैं आपको। MES-STAR एक दवा आता है वो आप कर सकते हैं, स्प्रिंट आता है वो भी आप कर सकते हैं। गलका को रोकने में बहुत फ़ायदेमंद करता है ये दवा, तो उसका स्प्रे अभी किया जाएगा इसमें। तो किसान भाइयों, खैनी का जो बीज है उसमें यही सब ध्यान रखना पड़ता है। देखिए यहाँ भी कुछ बिच्ची गल गया है, देखिए यहाँ भी कुछ बिच्ची गला हुआ है दोस्तों। देखो अभी दवा का स्प्रे होगा तो ये रुक जाएगा। और इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, उसका भी वीडियो मैं बना के इस चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।